दोस्तों, मेरा नाम है विजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विजेश सुतार। आज की वीडियो में हम बात करते हैं गूगल की एड्स कैसे बनाएं, शॉर्टकट में आप गूगल एड्स कैसे बनाएं। यदि आपको गूगल एड्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो आप शानदार एक एड्स बना सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले तो एक तो जीमेल आईडी आपकी होनी चाहिए। आप जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं, यदि ये आपको पता नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगा। एड्स गूगल ऐसा सर्च करेंगे, सबसे पहले आएगी गूगल की वेबसाइट जो ads.google.com आएगी। अब आपका नया अकाउंट है तो यहाँ पे गेट स्टार्ट करेंगे या फिर आपका शो करेगा आपको 2000 क्रेडिट का ऑप्शन शो करेगा। वहाँ पर आपको मेल आईडी देनी है आपको, उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे आपको मेल के ऊपर 2000 क्रेडिट भी मिल जाएगा। हालांकि क्रेडिट जब भी यूज होता है, जब आप 2000 से ज़्यादा मिनिमम 2 से 3 हज़ार के बीच आप पेमेंट यूज करोगे गूगल पर, उसके बाद ही आपको एड्स का बेनिफिट होगा। जैसे मैंने क्लिक कर दिया एड्स के गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो डायरेक्ट अकाउंट खोलेगा। आपका नहीं बनाया है तो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको क्लियर। ठीक है, ये देखिए मेरा बना हुआ है ऑलरेडी अकाउंट। यदि आपको एड्स का अकाउंट शुरू से भी देखना है तो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एड्स का अकाउंट कैसे बनाए और कैसे जनरेट करें। ये इस तरह का डायग्राम नहीं शो करेगा आपका यदि ओल्ड अकाउंट है तो, सॉरी न्यू अकाउंट है तो। अब न्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ आप कैंपेन कैसे बनाए उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे जैसे भी ऑल कैंपेन करेंगे, यहाँ पे मेरा कोई कैंपेन अभी तक नहीं बना हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू कैंपेन पर। यदि आपको एड्स के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं है तो आप एड्स के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। यदि एक्सपर्ट मोड से करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए पूरा तो ही करें, अन्यथा आप डायरेक्ट गूगल के जो मोड्स दिए हैं उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं। गूगल की 7 तरह की एड एक कस्टम एड होती है जिसमें कोई गोल नहीं है, इनमें सबका गोल दिया हुआ है। सेल्स, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको भी खुद को भी दिख जाएगा, ड्राइव सेल्स, ऑनलाइन, इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर। यदि आप सेल्स डालते हैं सर्च ऐड के थ्रू, डिस्प्ले ऐड के थ्रू, शॉपिंग, वीडियो या स्मार्ट डिस्कवरी, तो ये ऐड दे सकते हैं। जैसे आपकी कोई वेबसाइट या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, यदि आपको एडवांस नहीं आती तो। हालांकि आपको एडवांस आती है तो क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल कर सकते हैं, अगर कोई गोल नहीं है तो। लीड्स क्लिक करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा माउस का, गेट लिस्ट अदर कन्वर्जेशन बाय एनकरेजिंग कस्टमर टू टेक एक्शन। जो भी लीड्स होती है वो बाय करवाने थी कस्टमर से कर सकते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक, आपकी कोई वेबसाइट है उसके ऊपर विजिट करवाने हैं, लोगों को ट्रैफिक भेजना है तो कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड की रीच बढ़ानी है और सर्विस के बारे में लोगों को बताना है तो वहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ अवेयरनेस एंड रीच, आपके ब्रांड है उसका एड लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा जाने, वहाँ लोग विजिट करें देखें तो। ऐप एंड प्रमोशन, या आपको ऐप इंस्टॉल करवाना हो तो। और लोकल विजिट स्टोर, मतलब आपका कुछ ऑफिस हो या शॉप हो, शॉप के ऊपर वहाँ लोगों को बुलाना हो या लोगों को जानकारी देना हो तो इसे कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर है जहाँ कोई गोल नहीं है, यदि आपको नहीं पता है तो कर सकते हैं। कस्टमर भी एक एडवांस है स्मार्ट। अब कस्टमर में आपको सर्च ऐड करनी है या डिस्प्ले ऐड करनी है या शॉपिंग करनी है या वीडियो करनी है। वीडियो मतलब यूट्यूब के वीडियो के रिलेटेड होगा, जितनी ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना हो या ऐप इंस्टॉल करना हो। स्मार्ट ऐड, यदि आपको कुछ ज़्यादा पता नहीं है तो स्मार्ट ऐप भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा सर्च कैंपेन के बारे में बात करूँगा आज, मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे हम। सर्च पर क्लिक करेंगे और वेबसाइट के ऊपर, यदि आपकी कोई वेबसाइट है तो दे दीजिएगा, नहीं है वेबसाइट तो स्किप करिए, उसके बाद में भी दे सकते हैं। मैं यहाँ मेरी वेबसाइट दे देता हूँ vijeshhutar.com। चलिए ये मैंने मेरी वेबसाइट दे दी और अब मैं कैंपेन का नाम भी कोई दे सकता हूँ, जैसे नाम दे देता हूँ विदेश एग्जांपल के लिए। कंटिन्यू कर देता हूँ और कंटिन्यू करने के बाद उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बजट, आप इंडिया में चलाते हैं तो बजट 100, 200, 300 रख सकते हैं।
यदि आप फॉरेन में चला देते हो तो 500 रुपये रख सकते हैं। मैं यहाँ इंडिया में ही रखूँगा, मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, 100 रुपये बजट रखूँगा। हालांकि गूगल की एड्स थोड़ी अभी महंगी हो गई है। अब यहाँ पे कन्वर्जेशन, यदि आपकी कोई लैंडिंग पेज है वहाँ पर आपको प्रमोट करना है कुछ प्रोडक्ट, तो कन्वर्जेशन कर सकते हैं। और या नहीं करना है तो आप क्लिक, यदि आपको सिर्फ क्लिक करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें। अब कन्वर्जेशन में भी एडवांस में है, जैसे मैं यहाँ लैंडिंग पेज पर कोई मेरे प्रोडक्ट उनको प्रमोट करता हूँ तो मैं कन्वर्जेशन कर देता हूँ, उसके बाद मैं मैक्सिमम कन्वर्जेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। सेट टारगेट्स को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, एक बार नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, सर्च नेटवर्क में गूगल के पार्टनर है उनको उनको भी सर्च के लिए मैं इंक्लूड करूँगा, और डिस्प्ले नेटवर्क में गूगल के पार्टनर को मैं अनटिक कर दूँगा। इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, इसकी वजह से इसको अनटिक करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा फालतू में चला जाए। मेरी कंट्री इंडिया रहेगी तो मैं इंडिया को टारगेट करूँगा, और लैंग्वेज आपको इंडिया है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कर देता हूँ, मैं हिंदी भी कर देता हूँ यहाँ। यदि आप एक लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो अभी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। बाकी कोई भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे मेरी ये वेबसाइट लगी थी, इस वेबसाइट में मेरे ये जो भी कीवर्ड है इनके ऊपर मेरा सॉरी जो भी कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर मेरी जो है एड्स पहले चल रही थी, तो इनसे रिलेटेड गूगल ने ऑटोमेटिक मेरे को दे दिया, ये कीवर्ड से आपके पहले चल रहा था। फिर मैं नया आता हूँ, यहाँ पे आती है एड सेट, यहाँ पर टेक्स्ट लगा देता हूँ मैं https। चलिए इससे जाएगा तो वेरीफाई कर दे गूगल। अब यहाँ पे डिस्प्ले पे बात आपको क्या दिखाना है, ऑफर्स 2021 बस। ये जो कीवर्ड्स थे, लॉग इन टू अकाउंट्स, मार्केटिंग फनल्स मेड, क्लिक फनल्स, क्लिक फनल्स टीएम, ये टीएम हटा देता हूँ मैं, क्योंकि ट्रेडमार्क है, ये ऐड पे प्रॉब्लम करेगा। ये आप जो भी चाहते हैं वहाँ पे दे सकते हैं। अब आपको ये कहाँ से देना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी वेबसाइट है उनके बारे में, जैसे मैं यही बता देता हूँ, मान लो ये क्लिक फनल्स है, क्लिक फनल के बारे में यहाँ पे क्या क्लिक फनल और वहाँ पेस्ट कर दिया, सर्च करेंगे कितनी ऐड चल रही है क्लिक फनल की, ये खुद की ऐड चल रही है, वेलकम टू क्लिक फनल डॉट कॉम ऑफिशियल वेबसाइट, ये खुद की ऐड है। देखिए मार्केटिंग मेड फनल्स मेड इजी, ये हटा ले सकते हैं यहाँ से। फिर व्हाट इज क्लिक फनल्स, इसे भी यहाँ से भी ले सकते हैं। इस तरह से लेकर के आप अपने ऐड कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हेडलाइन, हेडलाइन के बाद डिस्क्रिप्शन अपना आप आ गए। हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन जो भी देना है वो दे सकते हैं, अपने मन से देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप यहाँ से गूगल से भी कहीं तोड़ मोड़ मरोड़ करके दे सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ डन। डन करने के बाद यदि ये एड्स एड ग्रुप मेरा सही होगा तो गूगल सही बता देगा, यदि सही नहीं होगा तो इसको रॉन्ग कर देगा। ज़्यादातर कीवर्ड्स जो भी हैं आपको फ्रेश मैच में रखने चाहिए। फ्रेश मैच ये नीचे दिया, देखिए कीवर्ड्स ब्रांड मैच, ये खाली रखा है तो ब्रांड मैच, ये दो ऐसे डॉट है साइड में वो कीवर्ड करते हैं तो फ्रेश मैच में होते हैं, और एग्जैक्ट मैच में भी ये होता है। एग्जैक्ट मैच में क्या होता है, ज़्यादा जिसको यही सिर्फ सर्च करेगा उसको ही एड शो करेगा। मान लो इसने लिख दिया टॉप FUNN लिखा है, लिखा इतना ही फनल लिखा है, और आगे पीछे और कुछ लिखना है तो एग्जैक्ट मैच में शो करेगा और फिर आपको ऐड शो करेगा, ट्रिगर करेगा। नेक्स्ट कर देता हूँ और देख लेता हूँ। चलिए ये ऐड एक्सटेंशन, साइड लिंक एक्सटेंशन, इससे क्या होता है कुछ थोड़े क्लिक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आपको देखना है तो यहाँ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नए हैं तो इनको आप ना लें, ये आपके लिए कोई मतलब वाला नहीं है। फिर कॉल आउट में भी कुछ नहीं करना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। ये ऐड का जो सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बताऊँगा आपको। ये देखिए कीवर्ड्स में कुछ मिस्टेक हुई है, देखिए कीवर्ड्स के ऊपर ऐड आ गया है, मैं कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करूँगा, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए शायद तक, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को हटा देता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यू आएंगे तो मैं क्लिक एंड स्पेस फनल कर देता हूँ। चलिए ये ऐसे एरर आए तो एरर को आप हटा दीजिएगा, एक बार चेक लीजिए आराम से फिर करिएगा, वो एरर हट गया। फिर रिव्यू में आ जाता है, फिर देखिए कीवर्ड में एक बार फिर एरर आया। अब दूसरा एरर आया वो है डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ से लेना है। जैसे मैंने क्लिक फनल सर्च किया है, यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ। 90 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यदि 90 वर्ड से ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा बहुत हटा दीजिएगा, डॉट डॉट कर दीजिएगा लास्ट में। ये देखिए डिज़ाइन है, इससे ज़्यादा मैं हटा देता हूँ, ये हो गया, फिर मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, फिर डन करिएगा, डन करने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। अब शायद तक क्लियर हो गया होगा,
अब कोई एरर नहीं होगा, यदि एरर होता फिर और देख लीजिएगा, फिर करिएगा, जब तक क्लियर नहीं हो एरर तब तक आपको क्लियर कर देना है, देख लेना है आराम से। ये देखिए पंचुएशन मार्क का सिंबल आया, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में ये डॉट डॉट लगाए थे उसी वजह से, तो ये पंचुएशन मार्क ये देखिए ये पॉलिसी के खिलाफ होते हैं, आप नहीं लगा सकते हो, गूगल की एड की पॉलिसी के खिलाफ होते हैं ये पंचुएशन मार्क वगैरह वगैरह, तो इनको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए तीनों को मैं हटा देता हूँ, चलिए ये हटा दें, हट दें, फिर यहाँ पे डन कर लेते हैं। इस तरह से ऐड में कोई दिक्कत हो आपको तो आराम से एक बार देख लीजिए, आराम से जो भी हो क्लियर करके करना, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में करेंगे तो आपकी ऐड बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, आपके कोई क्लिक नहीं आएंगे और पैसे आपको वेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट करना है, फिर भी कोई ऐड एरर आ जाए, मान लो एरर भी सकता है, ऐसा कोई नहीं नहीं आएगा। ये देखिए सर्च ऐड हो गई ना, मैंने ऐड का कैंपेन विजिट लिया 100 डे पर डे मैंने रखा है, और मैगजिमाइज कन्वर्जेशन रखा है, मैंने कंट्री इंडिया रखा है, फिर ऐड की ओड 25 है मेरा, एक से ऐड सेट है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर जैसे मैं पब्लिश करूँगा, आपकी नई ऐड है तो आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, फिर आपको और प्रमोशन कोड के बारे में मांगेगा, जो प्रमोशन कोड आपको मैं बता दूँ कि नया ऐड है तो आप सीधे ही डायरेक्ट गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे वहाँ तो आपको शो करेगा। मैं इस ऐड को रोक देता हूँ क्योंकि इस ऐड को चलाना नहीं, सिर्फ आपको डेमो के लिए मैंने बताया है। नई ऐड होती है तो आप जैसे मैं एक नया अकाउंट है मेरा उसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको बता दूँ, मैं ले लेता हूँ इसमें से कोई एक रिसॉल्विंग, ये देखिए मेरा एक अलग सा अकाउंट है, वहाँ पर मैं जा करके देखता हूँ एड्स। ये एक सिंपल सा टॉपिक है, मैं आपको साइड में बता देता हूँ, एड्स लिखा है और मैं सबसे पहले ही गूगल की खुद की एड चल रही उसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब गेट स्टार्ट का ऑप्शन भी आएगा, ये देखिए गेट स्टार्ट का ऑप्शन है, अब 2000 क्रेडिट का भी बोलेगा ये गेट स्टार्ट, नहीं बोला तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट स्टेप, मैं आपको बता दूंगा शायद तक इसके ऊपर भी मेरा एड्स अकाउंट कैंपेन सॉरी एड अकाउंट मेरा बनाया हुआ है तो ना भी बताए, कई बार क्या होता है गूगल्स नहीं बताता है, तो यहाँ पे करेंगे क्लिक और गूगल एड्स क्रेडिट यहाँ तो लिखेंगे एक मिनट शेयर आई डी क्रेडिट, ये तो हम ऐसे सर्च करेंगे तो अपना आप गूगल गूगल को पता चल जाएगा भाई ये उसको क्रेडिट चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे गूगल लिस्ट का, देखो ये देखिए क्रेडिट का आ गया, और यहाँ फिर जाएंगे अपने यहाँ ये जो मेल आईडी है वो उसको ले लेंगे, ये शायद तक मेरा मेल अकाउंट बना हुआ है मेरा एक, तो यहाँ पर जाएंगे और इसको मेल को पेस्ट कर देंगे। मैंने सबसे पहले बताया भी था कि गूगल के 2000 क्रेडिट कैसे लें, यदि आप 2000 स्पेंड करेंगे तो ही करेगा, ये देखिए हो गया, अब मेरे को मेल मिल जाएगा मेल के अंदर गूगल का। अब यदि आपका नया अकाउंट है तो नया अकाउंट में आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा, तो यहाँ पे आप देखिए सीधा स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करिएगा, स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो मैंने मेरा डायग्राम दिखा रहा था सॉरी मेरा जो अकाउंट एडवांस शो कर रहा था वो आपको डायरेक्ट शो करेगा, आपको सिर्फ ये अकाउंट ऐड बना करके गूगल में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही शो कर देगा। ये देखिए डायरेक्ट आपको एड्स में चले गए और यहाँ से आप आराम से एड्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कुछ रोचक जानकारी लेके आऊँगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।